पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर सैयद बशारत बुखारी 712 दिन के बाद शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सौंपा। साथ ही पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला को भी इस संबंध में एक पत्र लिखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले वह पीडीपी में थे। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को लिखे पत्र में बुखारी ने पार्टी से अलग होने के अपने फैसले के बारे में जानकारी दी है। बारामूला जिले के संग्रामा से पूर्व विधायक ने पत्र में लिखा, मैं बहुत सम्मान के साथ खुद को 12 मार्च 2021 शुक्रवार से नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग करता हूं। पीडीपी भाजपा सरकार में मंत्री रहे बशारत बुखारी पीडीपी छोड़कर दिसंबर 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को अलग से एक पत्र लिखकर पार्टी में रहने के दौरान मिले स्नेह के लिए शुक्रिया अदा किया। उमर अब्दुल्ला ने भी पार्टी से बुखारी के इस्तीफे का जिक्र करते हुए उनके आगे के सियासी सफल करियर के लिए मुबारकबाद दी। पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार में वह राजस्व और विधि एवं संसदीय मामलों के मंत्री भी रहे। नॉर्थ कश्मीर से संग्रामा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार पीडीपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले सैयद बशारत बुखारी आर्टिकल 370 और 35A के समर्थक रहे हैं। 2018 में पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के भंग होने के कुछ समय बाद उन्होंने पीडीपी से नाता तोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता जोड़ लिया था। किसी वक्त महबूबा मुफ्ती और उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबियों में गिने जाने वाले बशारत बुखारी को पीडीपी के शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता था। वह महबूबा के खास लोगों में से एक थे। पिछले साल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस पीपल्स कॉन्फ्रेंस और माकपा ने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पूर्व की संवैधानिक स्थिति की बहाली के लिए गुपकार डिक्लेरेशन को दोहराया था तो उस समय बशारत बुखारी ने कहा था कि घोषणा पत्र दोहराने के बजाय लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 5 अगस्त 2019 से अक्टूबर 2020 तक बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए गुपकार डिक्लेरेशन के एजेंडे को हासिल करने के लिए साफ कार्य योजना होनी चाहिए। लोगों को कैसे जोड़ा जाए इस पर काम किया जाना चाहिए। रेडियो अनाउंसर से सियासत में आने वाले बशारत बुखारी ने उमर को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर जरूर उमर अब्दुल्ला की सूझबूझ राजनीतिक व प्रशासकीय समझ से लाभान्वित होगा। उन्होंने लिखा, 2 साल 2 माह और 21 दिन का सफर कोई बड़ा नहीं है और वह भी तब जब इसका अधिकांश हिस्सा लगभग 1.25 साल नजरबंदी में बीता हो। फिर भी यह सफर मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प रहा है। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हम सफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।